الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبيا هداه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم وقال في موضع آخر

क्योंकि उस मौजू का ताल्लुक हमारे अकीदे से है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेईस साल दौर में जिन लोगों को तैयार किया था जिन्हें किताब और हिकमत की तालीम दी थी जिनकी तरबियत की थी उनसे है। आपने देखा कि मौजू है सहाबे किराम और अहले बैत के दरमियान और औरत के माहिर इस मौजू को सबसे पहले समझने की ज़रूरत कोई भी शख्स सहाबे किराम को तो समझता है कि सहाब किराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व्लम के साथियों को कहते हैं जिन्होंने ईमान की हालत में आप से मुलाकात की और ईमान की हालत में इस दुनिया से रुखसत हुए। ये सहाब कराम और अहल बैत किन्हें कहते हैं इन्हें भी जानना ज़रूरी है फिर उसके बाद सहाब कराम और अहले बैत को जानने के बाद एक सवाल पैदा होता है कि आखिर उनकी महब्बत के मजाहिर क्यों हम बयान कर रहे हैं इसकी क्या जरूरत है? उसी सवाल का जवाब देने के लिए आज ये मजलिस सजाई गई साहब के राम रिजवानल मजमैन ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को बोलते हैं मैंने आपके सामने एक आयत तिलावत की अल्लाह फरमाता है कि वह अल्लफ बैन कुलूबिम लो अनफ्ता महफिल और जमी अनफ तबैन कुलूबिम वोकिनला अल्लाह 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 कि ने अल्ला इन सहाबा के दिलों को जोड़ा अगर इनके दिलों को जोड़ने के लिए आप पूरी ज़मीन के ख़जाने खर्च कर देते तो नहीं जोड़ सकते अल्लाह ही ने इनके दिलों को जोड़ा है क्यों क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो उस वक्त कबाइली निज़ाम था कबाइली जंगें होती थीं, मामूली मामूली बात पर लोगों की तलवारें निकल जाती थीं और कई कई साल बल्कि सदियां तक ख़ानदानी झगड़े थे उसी की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ने फरमाया कि आप अगर पूरी ज़मीन के ख़जाने लुटा देते लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए तो आप नहीं जोड़ सकते अल्लाह ही ने इनको जोड़ा है पता ये चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने सहाबा थे सब के दिल बाहम मुत्तहिद थे और इसी की तरफ इशारा सूरह मोहम्मद की आयत में है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं वल्लज़ीन माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम और उनके साथ जो हैं उनके साथ जो यही सहाबा हैं वो कैसे हैं कुफार पर के ताल्लुक से कुफार के ख़िलाफ़ वो सख्त हैं रुहमा वीन हम आपस में नरम दिल अगर इन दोनों आयतों को मिलाया जाए तो हर एक के सामने बात वाजे हो जाएगी कि नबी के जितने भी साथी थे वो सब के सब एक दूसरे से उल्फ़त करने वाले थे एक दूसरे पे रहम करने वाले थे और अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़ इस्लाम के दुश्मनों के ख़िलाफ़ वो सख्त थे जब बात ये है कि आपस में रहम दिल हैं आपस में उल्फत करने वाले हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उनके दिलों की तमाम गंदगियों को तमाम खराबियों को जमाने जाहिलियत की तमाम आदतों को मिटा दिया तो फिर ये सवाल क्यों पैदा होता है कि उनके दरमियान मोहब्बत थी कि नहीं थी मोहब्बत के मज़ाहिर क्यों जाने ये एक सवाल पैदा होता और उसी का जवाब इन शाह हम लेंगे पहली बात तो ये है दूसरी बात ये है कि ये अहले बैत कौन है जब हमने सहाबा को जाना तो हमें अहले बैत को भी जानना चाहिए क्योंकि अहले बैत के नाम से बहुत सारे लोग हैं तो अहले बैत हकीक़त में असल है अहलो बैतिन नबी नबी सल्ला व्ल् के खानदान वाले आपके घर वाले बैत माने होते हैं घर माने वाला नबी के घर वाले अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों में कौन लोग आते हैं ये हमें जानना चाहिए अगर हम ये जानते हैं तो फिर ऐसी सूरत में मसला क्लियर हो जाएगा हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कनाना को इस्माइल अलैहि सलाम की औलाद से मुंतखब किया और क़ुरैश को कनाना से मुंतखब किया और बनू हाशिम जिस खानदान से मैं हूं उन्हें क़ुरैश से मुंतखब किया और मुझे जो है बनू हाशिम से मुंतखब किया अब आप देखें कि इस्माइल अलैहि सलाम की औलाद से नबी वसल्लम हैं तो सलाम ये समझिए कि इब्राहीम के बेटे हैं और इन्हीं से नस्ल चलती है कि इस्माइल इसमाईसम नबी हैं और मोहम्मद सल्लम नबी हैं इस दरमियान कोई नबी नहीं आए लेकिन आपके खानदान की खसूसियत क्या बता रहे हैं कि कनाना एक ख़ानदान है इसे अल्लाह ताला ने इस्माइल की औलाद से चुना फिर कनाना से क़ुरैश खानदान को चुना बहुत सारे खानदान थे लेकिन क़ुरैश को मुंतखब किया क्रैश से बनु हाशिम को मुंतखब किया और मुझे बनु हाशिम से मुंतखब किया इससे ये पता चला कि आपका ख़ानदान एक ख़ास ख़ानदान है एक मुंतखब ख़ानदान है और ये जो ख़ानदान है इस ख़ानदान की खसूसियत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं आप हाशमी घराने से थे तो हाशमी घराना आप ऐसे समझें कि अब्द मनाफ़ के चार बेटे थे एक का नाम था हाशिम दूसरे का नाम था नौफल तीसरे का नाम था मुत्तलिब और चौथे का नाम था शम्स। हाशिम का एक बेटा था उसका नाम था शैबा ये बेटा अपने ननिहाल मदीना में पल्ला था जिसको उस वक्त यथरिब बोलते थे वहां से इनके भाई मुत्तलिब लेकर के आए शैबा को और चूंकि ननिहाल में रहते थे यहाँ जब आए और वो पालने लगे तो लोगों ने कहा ये मुत्तलिब का ग़ुलाम है और ये अब्दुल मुत्तलिब कहे जाने लगे और इन्हीं अब्दुल मुत्तलिब के बेटों में से एक बेटे अब्दुल्ला हैं और उनका बेटा आप ये है आपके ख़ानदान का असर का जो ये ख़ानदान है इसके बारे में अल्लाह के नबी ने फ़रमाया कि आपका ख़ानदान इतना बुलंद है ये क़यामत के दिन सारे रिश्ते सारे वास्ते सारे नसब ख़त्म हो जाएंगे सिर्फ मेरा रिश्ता मेरा नसब मेरा ख़ानदान बाकी रहेगा दुनिया में भी क़यामत तक बाकी रहेगा और आख़रत में भी अल्लाह के नबी ने ये बात कही है दूसरी बात यह है कि एक हदीस में अल्लाह के नबीम ने अपने ख़ानदान की अज़मत को बताया कि ये ज़क़़़ है ये लोगों के माल का मैल है ये मोहम्मद सल्लम और आप के ख़ानदान वालों के लिए जायज़ नहीं है इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लम ने एक हदीस में फ़रमाया कि मेरे ख़ानदान का ख़ास ख्याल रखो तो ये आप के ख़ानदान के लोग हैं ये पहली चीज़ है जो आप जिस ख़ानदान से हैं अब आप ही के ख़ानदान से रज़ी अल्लाह हैं अबासिब ने अब्दुलमतलिब हैं आपने जाफ़र तैयार का नाम सुना है वो भी हैं तो ये ख़ानदान आप का दूसरी चीज़ यह है कि कुरान करीम के अंदर आप सूर अहज़ाब पढ़ेंगे तो सूर अहजाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी वसल्लम की बीवियों का जिक्र किया और जिक्र करने के बाद आगे फरमाए इन बैत कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है कि अहले बैत तुमसे से को दूर करें यहाँ अहल बैत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी वसल्लम की बीवियों को कहा है तो बीवियां तो बाहर से आती हैं बीवियां बेटे तो अपने होते हैं लेकिन औरतें बाहर से आती हैं अल्लाह ने क़ुरान में इन्हें भी बैत कहा तो आप की बीवियां भी बैत ऐसे ही हदीस में आता है कि आप के ग़ुलाम भी अहल बैत तो आप जो ये ख़ानदान है ये अहल बैत है जिनकी ये फ़जीलत है जिनके साथ ये बर्ताव होना है जिनकी ये खसूसियत है ये आप के ख़ानदान बनो हाशिम के जो लोग हैं ये हैं इसी तरह से आपकी बीवियाँ हैं और के ग़ुलाम हैं यहाँ एक बात मैं वाजह कर दूँ कि एक है असल और दूसरे है फरा यानी शाख असल और फरा में फ़र्क होता है आप जड़ को काट दें तो फिर दरख्त सूख जाता है लेकिन अगर शाख को काटें तो शाख से दरख्त बाकी रहता है बनू हाशिम जो घराना है ये असल है लेकिन इनके साथ आप आयशा अल्लाह हैं हफ्सा अल्लाह हैं रजी अल्लाह है, जो आपकी बीवियाँ हैं ये बैत तो हैं लेकिन ये आपसे नस्बत की वजह से हैं आप ये नहीं कह सकते कि आयशा रज के वालद भी अलेत में से हैं या हफ्सा के वालद भी अलेत में से हैं या ममूना के वाल भी अलेत में से हैं क्यों क्योंकि ये हाशमी घरानी से नहीं हैं बस ये हैं चूँकि क़ुरन ने इनको नबी के ख़ानदान का करार दिया है तो ये शाख हैं जुड़ी हैं लेकिन ये असल नहीं ऐसे ही ग़लम का मसला है वजह मैं ये क्यों जिक्र कर रहा हूँ एक दफ़ा अल्लाह के नबीम के घर में सदके का माल आया, किसके पास आया बरीरा के पास और ये बरीरा आयशा रजियाला की लौडी तो अल्लाह के नबी नबीम के गुलाम और लौडी अहलेत हैं लेकिन आयशा की गुलाम और लौडी अहले अहलेत नहीं है क्योंकि आयशा ये खुद जो है असलन नहीं है नबी से नस्बत की वजह से तो बरीरा के पास जो गोश्त आया अल्लाह के नबीसलम ने कहा बरीरा हमें भी खिलाओ तो बर रजीला ने कहा के सल्लम ये तो सदके का है तो सल्लम ने कहा तुम्हारे लिए सदका है हमारे लिए हदिया है यानी तुम्हारे लिए जायज़ है क्योंकि तुम मेरी लौडी नहीं हो आयशा की हो और अगर तुम मेरी लौडी होती तो फिर ऐसी सूरत में तुम्हारे लिए सदका जायज नहीं होता तुम्हारे लिए सदका जायज़ है मालूम ये हुआ कि ये हैं अहले बैत और हमें ये समझना चाहिए कि यह अहले बैत हैं इनका खास मकाम है तीसरी बात जो बतानी हो ये कि जब हमें यह पता चल गया कि यह अहले बैत हैं यह सहाबा हैं और इनके दरमियान मोहब्बत के मज़ाहिर देखने हैं तो सहाबी तो कहते हैं कि जिसने नबी वसल्लम से मुलाकात की ईमान की हालत में और उसकी वफात हुई ईमान की हालत में तो कोई अहले बैत का भी हो सकता है सहाबी भी हो सकता है जैसे हज़रत अली हैं हज़रत हसन और हुसैन हैं हज़रत फ़ातमत ज़हरा हैं या इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लम के चचा अब्बास हैं ये सब के सब हाशमी घराने से हैं लेकिन चूँकि ईमान की हालत में आप से, सल्लम से इन्होंने मुलाकात की और ईमान की हालत में दुनिया से गए तो ये सहाबी भी हैं लिहाजा जब आप सल्लम के ये सारे सहाबा हैं जो आपके ज़माने में थे और आप की वफ़ात के बाद भी जिंदा थे और एक ज़माने तक जी करके अपनी अपनी मौत पा करके दुनिया से गए तो इनके उल्फत और महबत के हमें मज़ाहिर देखने ये मौजू इतना वाज हमारे ख़्याल से हो गया होगा अब एक सवाल जो मैंने किया था कि जब अल्लाह के नबी सल्लम ने इन सहाबा को संवारा इल्म से आरास्ता किया और इनकी फ़जीलत को देखते हुए अल्लाह ने तमाम सहाबा को वकवादसन के तहत जन्नत की सर्टिफिकेट दी उसमें अहिल भी हैं उसमें गैर अहल बैत भी हैं चार दफ़ा अल्लाह ने क़ुरान में रदी अल्लाम व कहा अल्लाह उनसे राज़ी हुआ व अल्लाह से राज़ी हुए मैंने जो दो आयतें पेश किं उनमें सबके बारे में कहा गया आपस में ये रहम हैं दूसरों के ख़िलाफ़ सख्त हैं इनके दिलों को अल्लाह ने ऐसे जोड़ा है कि नबी दुनिया के खजाने लुटाते नहीं जोड़ सकते जब यह पूरी टीम अल्लाह ने इस अंदाज में संवार करके और ये कहा कि इन अश्तरा मिन मनीफुस हम वमहम बी अन जन्ना। मोमिनों का मामला क्या है कि अल्लाह ने उनके जान और माल को जन्नत के बदले ख़रीद लिया हम सब का ये जहन है और ये अकीदा है कि सारे सहाबा आपस में भाई भाई और दलील क्या है कुरान में मशहूर ये है कि सूरह हशर में रब्बुल इज़्ज़त ने अनसार साहबा के बारे में फ़रमाया वू फ़िर अनफुसिम वलकान खसासा कि तमाम तर परेशानी के बावजूद वह दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं चुनाच हिजरत के मौका पर किसी ने एक बाग देने के लिए अपने आप को तैयार किया किसी ने कहा हमारे पास दो बीवी है हम एक को तलाक़ देते हैं एक से आप शादी कर लीजिए तो ये जो सहाबा ने पेश किया ये किस बात की दलील है कि ये सब आपस में भाई भाई थे और अल्लाह ने इनके बारे में शुरु हुजरात में कहा कि वह कर रहा इलेक्म़्र वफ़ूक वलसी अबाई कमुल ईमान वो फिकल तुम तमाम सहाबा के दिलों में अल्लाह ने ईमान की महब्बत बिठा दी उसको मुजैन कर दिया और कुर फिस्क और गुनाह को नापसंद किया यहां असल मसला यह है कि यहां एक साजिश है जिस साजिश की बुनियाद पर हम यह जाहिर करना चाहते हैं कि साहबा भाई भाई साजिश यह है कि इस्लाम से पहले दुनिया के अंदर ईसाई मजहब था और ईसाइयों से पहले यहूदी मजहब था तो ईसा जब आए तो जाहिर सी बात है यहूदियों की हुकूमत जा रही थी अल्लाह ने उनके दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली थी तो एक बुलस नामी यहूदी ने अपने आप को जाहिर किया कि मैं ईसाई हूं और उसने ईसाई धर्म को बर्बाद करने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब रहा क्योंकि तो अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली थी ऐसे ही हजरत उमर अल्लाह का जब जमाना गया आपकी शहादत रजी अल्लाह का दौर आया उस पीरियड में अब्दुल्ला बिन सबा नामी यहूदी था इसने बुलस यहूदी के तर्ज पर यह कोशिश की कि दीन वसल्लम को बर्बाद किया जाए और उसने अपने आप को अहले बैत का लिबादा पहनाया और अपने आप को अहले बैत में जाहिर किया यह है असल साजिश और यह साबित करने की कोशिश की कि ये जो अबू बकर रज़ी अल्लाह हैं उमर रज़ी अल्लाह हैं उस्मान रज़ी अल्लाह हैं ये सब के सब गासिब हैं हकीक़त में अली ताला ये खिलाफत के हकदार थे और ये जाहिर करने की कोशिश की कि अहले बैत मजलूम हैं और ये सहाबा ज़ालिम। चुनानचे आप तबर्रा मातम और इस किस्म की जो मजलिसें सुनते और जानते हैं ये इसी की बुनियाद पर है कि ये जाहिर करने की कोशिश की जाती है और उनका एक अकीदा है जिसको अक़दे वसायत व विलायत कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लम ने यह वसीयत की थी कि मेरे बाद खलीफा अली रज़ी होने वाले हैं और ये अकीदा है उनका कि बारह इमाम हैं जो कि एक बार दीगरे होने वाले हैं खलीफा बनने वाले हैं और एक अकीद अक़दे रजात का है कि दोबारा ये आएँगे और फिर जो है नौज बिल्ला अबू बकर को सूली पर चढ़ाएँगे और ऐसा ऐसा करेंगे तो ये जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि ये बाहम दुश्मन थे और हमें ये जाहिर करना है कि ये दुश्मन नहीं थे आज जो है जो अनवान है कि उल्फत मोहब्बत के मज़ाहिर हम पांच ऐसे मजाहिर अमली तौर पे दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिससे एक मामूली जहन रखने वाला शख़्स ये समझ सकता है कि सहाबे कराम और अहले बैत के दरमियान दुश्मनी नहीं थी दोस्ती थी उल्फत मोहब्बत थी पहली चीज ये है और उससे पहले एक बात बताएं और इस सिलसिले में दो बातें आप जानें। पहली बात यह है कि एक इमाम गुजरे हैं उन्होंने लिखा है कि एक दफा कुछ लोग इकट्ठा हुए और उन लोगों ने कहा कि अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बद्दीन किस्म के जिंदी किस्म के लोग जो दहरिया जिन्हें आप कह सकते हैं लिबरल कह सकते हैं ये लोग इकट्ठा हुए और इन लोगों ने कहा लाओ नबी को गाली देते तो उनमें से जो बड़ा था उसने कहा अगर हम नबी सेम को गाली देंगे तो हमारी बात को तो कोई कबूल नहीं करेगा लिहाजा ऐसा करते हैं कि उनके चहेतों को गाली देते हैं और उसने क्या दलील दी कहा किसी को जब परेशान करना हो तो डायरेक्ट हमला ना करो उसके कुत्ते को बुरा भला कहो उसके करीबी को बुरा भला कहो फिर वो खुद सामने आएगा तो इस तरह से उन्होंने साहब के राम को निशाना बनाना शुरू किया ऐसे ही एक और वाक है एक, खलीफे, एक खलीफा ने दो बदीन लोगों को पकड़ा तो इसी अकीदे के मालिक और एक से कहा कि तुम क्यों साहबा को बुरा भला कहते हो क्यों एक दूसरे का दुश्मन करार देते हो अगर बताते हो तो ठीक है वरना तुम्हारी गर्दन हम उड़ा देंगे तो उस शख्स ने नहीं बताया और उसकी गर्दन उड़ा दी गई फिर दूसरे को पकड़ा और उससे कहा देखो तुम्हारा साथी जो ये गया है यही हश्र तुम्हारा भी होगा अगर तुम नहीं बताओ उसने कहा हमारी जान बच जाएगी कहाँ बच जाएगी शर्त यह है तुम बताओ तो उसने ये बतलाया कि हम इसलिए करते हैं इमाम मालिक रहमत का मशहूर जुमला है कि जब तुम किसी शख्स को सहाबा को बुरा भला कहते हुए देखो तो ये जान लो कि ये लोग बद्दीन हैं और ये चाहते हैं कि ये हम कहें कि अगर हम सहाबा को बुरा भला कहेंगे तो सामने ये सवाल पैदा होगा कि ये है सहाबा जिनके साथी थे वो भी बुरे होंगे क्योंकि अगर वो बुरे नहीं होते तो ये बुरे कैसे होते लिहाजा ऐसे लोगों से दूरी बनाना ज़रूरी है आइए देखते हैं कि सहबे के राम रज़वानल्ला मजमैन के ताल्लुक से और अहिल बैत के तल्ल से जो साजिश है आपने बुनियादी तौर पर ये चीज़ें जानने की कोशिश की कि हकीक़त में जब इनमें से अक्सर सहबा हैं कुछ हो सकता है कि सहाबा लम्बी ज़िंदगी पाए हों और इन अहले बैत सहाबा की औलाद सहाबी नहीं थे वहले अहले बैत से रहे उनके साथ तामुल का मसला रहा और अच्छे बर्ताव का मसला वरना सारे सहाबा तो एक साथ ही थे इनके दरमियान मोहब्बत के कुल पांच मज़ाहिर आइए देखने की कोशिश करते हैं पहला मजहर यह है एक दूसरे के की तारीफ में बातें बात सहाबा की बात है और सहाबा मुनाफिक नहीं इसलिए कि मुनाफिकीन का पर्दा चाक कर दिया था ला इज़्ज़त ने सूर मुनाफिकून उन्हीं के सिलसिले में नाजिल हुई है सूर तौबा में उन एक एक करके उनकी खामियां बयान की गई हैं और क़र करीम में उनकी बातें बताई गई सहाबे कराम जिनमें से टॉप दर्जे के अबू उस्मान अली और दीगर सहाबा हैं सहाबा ने अहले बैत की तारीफ़ की है और अहले बैत ने सहाबा की तारीफ़ और आप और हम सब जानते हैं कि तारीफ कोई किसी की करता है तो यह दुश्मन नहीं होता बल्कि ये दोस्त होता है और अरबी ज़ुबान में एक जुमला मशहूर है कि अगर थोड़ी देर के लिए हम मान भी दें तो अलफलुमां शहीदत बिहिल आदा फ़दीलत वो है कि दुश्मन उसकी तारीफ़ करे आइए देखते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताल जिन्हें शिया हजरात या जो अपने आप को बैत के हामी कहते हैं वो सबसे बड़ा अपना मानते हैं उन्होंने सही बुखारी की रिवायत है उन्होंने कहा अला उखबिरुम बिख रिहाद हिल बाद बबी ऐ फिर जवाब दिया अबू बकर सुकाल अलाखबिरकुम बिखर रिहाद हिल उम बबी एहा फिर कहा उमर सही बुखारी की रिवायत है अली रज़ी अल्लाह तुम बयान करते हैं क्या मैं तुम्हें नबी सल्लम के बाद इस उम्मत के सबसे बेहतरीन इंसान के बारे में ना बताऊं फिर खुद जवाब देते हैं अबू बकर फिर दोबारा कहते हैं अबू बकर के बाद इस उम्मत के सबसे बेहतरीन इंसान के बारे में ना बताऊं फिर खुद जवाब देते हैं उमर रदी अल्लाह आप ज़रा सोचें कि अगर अहले अहिल के सबसे अफजल इंसान हज़रतली रदी अल्लाह हैं और इधर सहाबा में सबसे बेहतर इंसान अबू बकर हैं फिर उमर है। अगर ये दुश्मन होते एक दूसरे से नफ़रत करने वाले होते तो हज़रतली रजी अल्लाह ये नहीं कहते कि सबसे बेहतरीन इंसान अबू बकर हैं फिर उमर रजील्ला उनका तारीफ करना ये इस बात की दलील है कि जो लोग दुश्मनी की बात करते हैं वो झूठे हैं इसी तरह से सही मुसलिम की मशहूर रिवायत है हजरत उमर अल्लाह तआला उन्हों की जब शहादत हो गई और शहादत के बाद ये तय हो गया हजरत रजी अल्लाह ने मंजूरी दी कि नबी के हुज़रे में आपको दफ़न किया जाए आपके पहलू में जहाँ आपके साथी अबू बकर और नबी नबीसम आराम फरमा रहे हैं तो मिंबर जहाँ जनाजे की नमाज़ पढ़ी जानी थी वहाँ उनकी लाश लिटाई हुई थी हज़रत अली रजियाल्ला आए और तीन दफा उसके बारे में सवाल किया हैत उमर रदी अल्लाह के बारे में कुछ पूछा और सारा मजमा वहाँ मौजूद था फिर उन्होंने कहा रहमत ला आप पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो मैं आपके बाद किसी और इंसान के नाम आमाल की तरह से नाम आमाल ले जाने के तो नहीं चाहता यानी आपने अपने बाद किसी अफजल और बेहतर अपने से ज़्यादा इंसान को नहीं छोड़ा यानी आपसे बेहतर बकर थे, वो चले गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुख्सत हो गए लेकिन आप वो तनहा आइडियल हैं कि दुनिया से जाने के बाद आप अपने जैसा किसी को नहीं छोड़ रहे हैं लिहाजा मैं आपके अलावा किसी और की तरह से नेकी करके जाना नहीं चाहता फिर आगे कहते हैं लोगों को इस तरफ इशारा करते हुए कि ये जो कपड़े में लिपटे हुए हैं ये वो इंसान हैं कि इन जैसे ए, कोई इंसान दुनिया में नहीं है उसके बाद कहते हैं आगे तीन दफ़ा कि मैं बराबर वसल्लम को कहते हुए सुनता था कि अब बकर उमर नहीं भी होते थे कि अब बकर दाखिल हुए और निकले यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके बारे में इतना एतमाद था कि किसी भी मसले में उनकी राय लिए बग़ैर उनकी जानिब से मंजूरी का इज़हार करते थे हज़रत उमर रदी अल्लाह तुम कि ये तारीफ़ कर रहे हैं कौन अली रदी अल्लाह ये दलील है कि इनके दरमियान दोस्ती थी मोहब्बत थी और उसके अलावा कुछ नहीं था इसी तरह से कुरान करीम की एक आयत है इन लदीन सबकत लहु मन हस्न उलई का अनह मबादू यानी जिन लोगों को की नेकियां पहले गुजर चुकी हैं वो जहन्नम से दूर रखे जाएंगे वाक़ ये है क़ुरान में है इन् नकुम ममा चाबुदून ही हसबु जहन्नम और तुम जिनकी इबादत करते हो अल्लाह को छोड़कर तो तुम्हारे साथ वो भी जिनकी इबादत कर रहे हो सब के सब जहन्नम के ईंधन बनोगे गोया कि आबिद और माबूद दोनों के दोनों जहन्नम में जाएंगे लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि हज़रत ईसा सलाम की भी परस्तिश हो रही है या बहुत सारे बुज़ुर्गों की मजारात की पूजा हो रही है हालांकि उनका कोई अमल दखल नहीं है उन अम्बिया का कोई कसूर नहीं है कि उन्होंने कहा हो कि मेरी परस्तिश कीजिए ये ऐतराज़ तो हो सकता है कि जिनकी परस्तिश हो रही है जो परस्तिश कर रहे हैं कुरान कहरा सब के सब जानम रसीद होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के अंदर कहा जिन लोगों का इसमें कोई अमल दखल नहीं है वो इससे बरी होंगे ये आयत हजरत अली रजी अल्लाह तहों ने तिलावत की जैसा कि फज़ायल्साबा जामा महमद की किताब है उसमें है उन्होंने कहा कि उस्मान रज़ी अल्लाह तहों भी इन्हीं में से ये मैं किस लिए जिक्र किया क्योंकि तो लोग ये जाहिर करना चाहते हैं कि हज़रत अबू बकर और उस्मान जो रजी अल्लाह से पहले खलीफा हैं ये तीनों क्या है दुश्मन हैं हज़रत अली रजियाल्ला के और अली रजियाल्ला तीनों के बारे में अच्छे कलम अच्छी बातें कह रहे हैं इसी तरह से अली बिन हुसैन जैन अबदीन जो रजी अल्लाह के बेटे हैं रजियल्ला तुओ के पोते और इनका भी शुमार एहलेत में से है एक दफा इनसे किसी ने पूछा कि अबू बकर रजी अल्लाह तुम का क्या मर्तबा मरतब एहलेत के नुमाइंदा हैं और ये जवाब देते हैं कि जो इस वक्त उनका मकाम है कब्र में यानी अल्लाह के नबी नबीसम हैं, फिर अबू बकर रजी अल्लाह सोए हुए हैं फिर रहते है उमर रजी अल्लाह तन सोए हुए तो जिस तरह से क़ब्र की तरतीब है इस वक्त यही उनका रुतबा और मर्तबा मकाम उम्मत के अंदर है कि अबू बकर का कोई सानी नहीं हैत उमर का कोई सानी नहीं जो भी हैं उनके बाद हैं ये अली बिन हुसैन जैन आबिदीन ने कहा है इसी तरह से एक मशहूर इमाम ईमान जाफर सदक हैं जिनकी तरफ़ फिरके जाफरिया मंसूब है और जिनकी वजह से लोग अपने आप को कलबे सादिक भी कहते हैं यानी सादिक का कुत्ता ये इमाम जाफ़र जो कि बड़े इमाम हैं बल्कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं बड़े आलिम दीन भी थे कि लौल सनतान लहलक नुमान अगर दो साल मुझे जाफ़र सादिक की शागिर्दी ना मिली होती तो ये नुमान बिन साबित अबू हनीफा अलैह का नाम नुमान था कहते थे ये हलाको बर्बाद हो जाता उन्होंने हज़रत अबू बकर उमर की बहुत तारीफ की और उन्होंने कहा कि मैं अपने नाना यानी अबू बकर को गाली दूंगा कि कैसे हो सकता है अबू बकर ने मुझे दो दफ़ा पैदा किया यानी इनकी माँ और इनकी दादी यानी दो रिश्ता ऐसा है जो जाकर के हजरत अबू बकर रवी अल्ला से मिलता है और कहते हैं क़्यामत के दिन मुझे नबी की शफात नसीब ना हो अगर मैं अबू बकर को गाली दूं, इसे पता ये चला कि यह लोग दिल से सहाबा की तारीफ़ कर रहे हैं और इनका सहाबा की तारीफ़ करना ये इस बात की दलील है कि इनके दिलों में दुश्मनी नहीं थी आइए इसके बरक्स देखते हैं कि ये तो अहले बैत ने तारीफ़ की सहाबा ने अहले बैत की क्या तारीफ़ की अबू बकर रज़ी अल्लाह तहते हैं सही बुखारी की रिवायत है वल्लि नफसी बी कराबत व रसूल सल्हल अहब्बलियाराबती अन कहते हैं उसकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है रसुल्लाम की कराबत मेरे नज़दीक अपनी रिश्तेदारी से ज़्यादा अहम है उसका जोड़ना इसे अंदाज़ा आप कर सकते हैं कहते अब बकरे समझते हैं कि नबी नबीम के ख़ानदान के साथ रिश्ता क़ायम करना अपने ख़ानदान से रिश्ता कायम करने के मुकाबले ज़्यादा अहम है क्योंकि नबी नबीम ने उसकी ख़ास अहमियत दी है इसीलिए उन्हीं से ये भी है उन्होंने फरमाया फ़रमायाक़बू महमदनफी आल बैती अल्लाह के नबी नबीम के ख़ानदान का अच्छा ख्याल रखो अच्छा उनके साथ बर्ताव करो इसी तरह से तबक़ात इतने साद और भी किताबों के अंदर सही सनत से मौजूद है कि एक दफ़ा उमर रबी अल्लाह तुम्हें फ़रमाया आप जानते हैं कि अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ये फतेह मक्का के मौके पे मुसलमान हुए उन्होंने कहा कि अगर आज मेरे वालिद खत्ता मुसलमान होते तो मुझे उतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी की अब्बास के इस्लाम लाने की वजह से क्यों क्योंकि अब्बास रजी अल्लाह तु जो मुसलमान हुए हैं उनके इस्लाम से वसल्लम को ज़्यादा खुशी हुई है आपके वो चचा हैं अगर मेरे बाप मुसलमान होते तो आपको उतनी खुशी नहीं होती इससे पता चला इनका ये तारीफ़ करना अपने दिल के जज्बात का ये इजहार करना ये इस बात की वाज दलील है कि वाकयतन ये दोस्ती रखते थे मोहब्बत रखते थे दुश्मनी नहीं रखते थे इसी तरह से हजरत उमर अल्लाह के बारे में आता है कि जब खलीफा बने और बाकायदा वजीफ़े जारी किए तो ये अपने ख़ानदान का नम, इनके ख़ानदान का नंबर आखिर में आता था पाँचवें नंबर पे पहले अल्लाह के नबी वसल्लम के ख़ानदान वालों को रखते थे क्योंकि उनका रुतबा मकाम ज़्यादा बुलंद था इसी तरह से इमाम ने कफ़ी रमत ने जिक्र किया है कि अब्बास रजी अल्लाह तु का जब गुज़र होता और उमर उस्मान रजी अल्लाह तह सवारी पर होते तो ये सवारी से उतर जाते और जब तक अब्बास रजी अल्लाह तुम गुज़र नहीं जाते थे वो सवारी पे नहीं बैठते थे क्योंकि नबी नबीम के चचा हैं और उनका ख़ानदान उनके हैं और उनका मकाम ये है कि उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाए इसी तरह से लोग जो है आयशा रजी अल्लाह को बहुत बुरा भला कहते हैं बल्कि नऊद बिल्ला उन्हें जानिया न जाने कैसी कैसी बातें कहते हैं फ़ातिमत ज़हरा रदी अल्लाह तह जिन्हें अल्लाह के नबी नबीसम ने कहा कि ये जन्नत की खुवात की सरदार हैं ऐशा सही मुस्लिम के अंदर है कि उनको मुखातब करते हुए कहा क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि तुम जन्नत के अंदर मोमिन औरतों की या इस उम्मत की औरतों की सरदार होगी यह बात आयशा रजियाल्ला तह का फ़ातिमा रजियाल्ला के बारे में कहना ये कोई मामूली बात नहीं है बहुत बड़ी बात अगर कोई वाक़ता अपने आप को नबी के ख़ानदान से महब्बत करने वाला कहता है तो ये जुमला काफ़ी है और आयशा रजी अल्लाह तह की बदगोई करता है तो उसे बचना चाहिए क्योंकि ऐशा रदील्ला ने वाक़ता सही अंदाज़ में बात कही है इसी तरह से एक दफ़ा अब्दुल्लाबन उमर रजी अल्लाह तू जैसा कि सही बुखारी के अंदर है उनके पास इराक़ के कुछ लोग आए और उन्होंने मसला पूछा कि मच्छर अगर कोई मार दे तो उसके बदले में क्या ज़ुरमाना है तो उन्होंने पूछा कि तुम लोग कहाँ के हो कहा हम लोग इराक के हैं कहा देखो ये इराक के हैं ये मच्छर के बारे में जुर्माना क्या है पूछ रहे हैं इन्होंने नवास रसूल को क़त्ल कर दिया उस वक्त फ़िक्र नहीं हुई आज मच्छर के बारे में सवाल कर रहे हैं हालांकि अल्लाह के नबी वसल्लम ने कहा था कि ये दुनिया के अंदर हमारे लिए दो फूल हैं ये मकाम था उनके दिलों में अहल बैस से मुतल इसी तरह से एक आखिरी बात तारीफ़ से मुतल एक सहाबी हैं जैद इबन साबि जो बहुत बड़े साहबी हैं और क़र करीम को इकट्ठा करने में हित वक्र के ज़माने में इसी तरह से रजी अल्लाह के ज़माने में इन्हीं की ज़िम्मेदारी थी और अल्लाह के नबी सल्लम के ज़माने में कातब वही में सबसे नुमाया नाम इन्हीं का बड़े में से हैं एक दफ़ा ये किसी जनाजे की नमाज़ में आए हुए थे और फारिग होकर के जिस खच्चर पे सवार थे खच्चर लाया गया ताकि वो सवार होकर के जाए अब्बास रजी अल्लाह जो नबी वसल्लम के चचा हैं उनके बेटे इब्ने अब्बास आगे बढ़ते हैं और उस खच्चर की रिकाब को नकेल को पकड़ लेते हैं जैद रजियाल्ला रोकते हैं क्या कर रहे हो तो इब्ने अब्बास बहुत बड़े आलिम दीन हैं नबी ने जिनके लिए दुआ की थी कहते हैं हमें अपने मा के साथ ऐसे ही बर्ताव करने का नबी सल्लम ने हुक्म दिया तो जैद ने साबित उतरे और आए और कहा अपना हाथ खोलो दिखाओ खोला उसके बाद हाथ पे बोसा दिया तो कहा ये क्या कर रहे हो कहा अहले बैत के साथ ऐसे ही हमें बर्ताव करने का हुक्म दिया ये थी उनके दिलों के अंदर मोहब्बत ये था उनका बर्ताव लिहाजा पुरुपंडे जो किए जा रहे हैं जो गलतियाँ गलत फ़हमियाँ फैलाई जा रही हैं और सहाबा को अहले का दुश्मन दिखाया जा रहा है ये सारी बातें गलत हैं इन तमाम गलत फहमियों से बचने की ज़रूरत है साहब के राम की ये रहा तारीफ़ी कलमात एक दूसरे के सिलसिले में अच्छे जज्बात का इजहार ये काफ़ी है कि वाकता ये दोस्त थे दुश्मन नहीं थे दूसरी चीज़ ये है कि अहल बैत और सहाबा और इसी तरह से सहाबा और अहले बैत के दरमियान रिश्तेदारियाँ थी शादी ब्याह हुए हैं और हम जानते हैं कि कोई भी शख्स ऐसे ही अपने दुश्मन के यहाँ रिश्ता जानबूझकर कर नहीं देता जिस बच्ची को उसने गोद से लेकर के 20 साल 18 साल 25 साल तक पढ़ाया लिखाया संवारा अच्छी तरह से तैयार किया वो अपनी बच्ची को किसी फासिक फाजिर, जालिम दुश्मन के हवाले नहीं करेगा क्योंकि जहाँ उसको उसकी जान की फिक्र है उसकी इज़्ज़त नामोस की फिक्र है और उसकी मुस्तकबिल की फिक्र है वहीं उसे इस बात की भी फिक्र है कि पता नहीं मेरी बच्ची ज़िंदा बचेगी या नहीं या आने वाली नस्ल कैसी होगी इंसान जिस भी हैसियत का होता है वो ढूंढ करके बेहतर करता एक बात ये दूसरी बात ये है कि रिश्तों के मसले में इंसान ये भी देखता है कि हमारे बिरादरी का है नहीं हमारे अकीदे का है या नहीं हमारी हैसियत का है नहीं बहुत सारी यानी इंसान जब रिश्ता करता है तो सुनने वाला उसकी बुनियाद पर उसके कल्चर उसकी तहजीब उसके इल्म उसके सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगाता है और कहता है वाक़ता उन्होंने अच्छा किया या अपने से ऊंचा किया है मामला बैठेगा नहीं वगैरह वगैरह बातें करते आप अगर देखें तो हज़रत अबूबक रज़ी अल्लाह तहु और हज़रत उमर रज़ियाल्ला दोनों की बेटियां नबी वसम से, से मनसूब हैं वह अहल बैत में हैं हज़रतमान रज़ियाल्ला की दो बीवियां ये नबी नबीसम की बेटी रुक़िया और उम्म कुल्फूम बल्कि बाज बाद ने जिक्र किया इनको जुन्नूरन जो कहा जाता है ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी नबी की दो बेटियां एक बार दीगरे किसी के अकद में आई हूं आदम आदमी से लेकर के तो देखें आप कि ये रिश्ता है इसके अलावा आप अंदाज़ा कीजिए कि उस्मान रज़ी अल्लाह के बच्चों में आठ बच्चे आले मरवान जो बनु मैया के हैं छः अबू सुफियान रजी अल्लाह के छः और अली अल्लाह के तेरह यानी आपस में इतनी रिश्तेदारियाँ हुई हैं और लुत्फ की बात तो ये है कि दो चीज़ें आप सुनेंगे आपको हैरत भी होगी एक सहाबिया हैं अस्मा बिनते उमैस रजी अल्लाह ताला ये जाफर तैयार की बीवी होती हैं और जाफर से उनके बच्चे भी हैं और जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अली रजी अल्लाह के चेजाद भाई हैं जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु जंगे मूता में शहीद होते हैं असमा बिनते उमैस उनकी बीवी हैं गोया की नबी सल्लम के ख़ानदान में उनकी शादी होती है जब इनका इंतकाल हो जाता है इद्दत मुकम्मल होती है तो रजी अल्लाह की शादी होती है हज़रत अबू बकर से और अबू बकर रजी अल्लाह अन्हों से एक बच्चा भी पैदा होता है सुल के मकाम पर जब आप हज के लिए जा रहे हैं और उस बच्चे का नाम मोहम्मद होता है और आपको ये मालूम है कि नबीम हज के बाद तकरीबन तीन महीने थे उसके बाद आप दुनिया से रुखसत हो गए फिर हजरत अबू बकर खलीफा बने हैं और वो मामूली चंद स, दो साल कुछ ऐसे ही थे उसके बाद आपका इंतकाल होगा की शादी हजरत अली से होती है। और हजरत अली चालान ये जो मोहम्मद हैं अबू बकर के बेटे असमा से इन्हें पालते हैं उनसे हद दर्जा मोहब्बत करते हैं और कहते हैं यह है अबू बकर की पुश्त से मेरा बेटा है और इतना ही नहीं बल्कि जब खलीफा बनते हैं तो मिस्र का इन्हें गवर्नर बनाते हैं अब आप देखिए असल दुश्मनी जो बताई जाती है कि अबू बकर ने अपने दौरे खिलाफत में की तो फिर हजरत अली उनकी बेवा से कैसे शादी करते है? इसी तरह से हजरत उमर को दुश्मन करार देते हैं और ये अफ़सोस की बात है हमें से बहुतों को नहीं पता है हम सब क्या जानते हैं कि हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रदील्ला के दो बेटे थे हसन और हुसैन हमें से अक्सर नहीं जानते हैं कि हज़रत फ़ातिमा के बतन से एक बेटी भी पैदा हुई थी जिसका नाम उम कुलफ़ूम था और ये उम कुलफ़ूम इनकी शादी हजरत उमर से होती है हज़रत उमर रदी अल्लाह तु के ज़माने खिलाफत में उन्होंने हज़रत अली से कहा कि मैं एक हदीस है कुल्लो सबबिन वनसबिन वन बिन सबबी वनसबी, वनसबी। यानी सारे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे सिवाय मेरे रिश्तेदारी के तो मैं ये चाहता हूँ कि मरने से पहले अहल बैस से अपना रिश्ता क़ायम करूँ फिर उम्मे कुलफ़ूम के लिए पैगाम भेजा हज़रत अली ने कहा मैं बच्ची को भेजता हूँ अगर आपको पसंद हो तो शादी हो जाती है फिर उम्मे कुलफुम की शादी हरत उमर से होती है और उनसे दो बच्चे पैदा होते हैं रुकैया और जैद और आपको यह भी बता दें कि जब हजरत उमर अल्लाह फजर की नमाज में शहादत होती है तो गोया कि ये बच्ची बेवा हो गई हैत है अली की फिर हैरत अली की शहादत होती है वो भी फजर की नमाज में तो ये है उम्मे कुल का जुमला बहुत मशहूर है कहती हैं कि मेरा फज्र के साथ क्या मामला है कि मेरे शौहर भी इसी फजर की नमाज के वक्त शहीद हुए और मेरे वालिदे गिरामी अली अल्लाह रत भी शहीद हुए आप अंदाजा कीजिए कि ये जो रिश्ते हैं आप जिन्हें दुश्मन करार दे रहे हैं उमर को वो उमर तो फातिमा के बतन से किसी और के बतन से नहीं फातिमा के बतन से हजरत अली की बेटी से वो शादी कर रहे हैं और इसी तरह से अबू बकर से आप दुश्मनी ज़ाहिर कर रहे हैं अबू बकर की बेवा से है अली शादी कर रहे हैं और शादी ही नहीं बल्कि उनके बेटे से हद दर्जा मोहब्बत करते हैं ये इस बात की वाज दलील है ये जो दुश्मनियाँ दिखाई जा रही हैं दुश्मनियाँ सही नहीं हैं उन तो अच्छे क्या है एक दूसरे के भाई थे तो ये है इसके अलावा और भी हैं आले ज़ुबैर आले तलहा कई सारे रिश्ते हैं जो एक दूसरे के यहाँ हुए हैं और इस बात की वाज दलील है कि इनके दरमियान जो रिश्ते कायम थे रिश्ते तो क्या होते हैं ये वाक़ता मोहब्बत का ज़रिया होते अल्लाह ने क्या फ़रमाया कि उमिन आयातलक़ुमिन अनफुसिकम अजवा तस्कुन ग जाबिन मवदत रहमा इस रिश्ते के नतीजे में अल्लाह तुम्हारे दिलों में उल्फत और महबत डालता है और लोग जो है दुश्मन ज़ाहिर करना चाहते हैं तो ये दूसरी चीज़ है जो रिश्ते इज्दाज हैं तीसरी चीज़ ये सहाबे कराम के नाम पर अहले बैत का अपने बच्चों का नाम रखना ये भी एक मसला है नाम कोई कैसे रखता है किसी आप अगर किसी का नाम पूछें तो नाम से पता लगा लेंगे ये किस मजहब का है या किस मसलक का है अगर किसी के नाम के साथ रज़ा लगा है किसी के नाम के साथ हुसैन लगा है किसी के नाम के साथ ग़ुला मुस्तफ़ा लगा इस तरह है या किसी के नाम से अब्दुल्ला है या आगे पीछे जो श्री या क्या क्या लगा है आप नाम से ये पता लगा लेंगे कौन किस मजहब का है कौन किस मसलक का है इसी तरह से नाम जो लोग रखते हैं किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो इंतखाब होता है मौलाना कोई बेहतरीन नाम बता दीजिए क्यों क्योंकि नाम का इंसान की शख्सियत पे अच्छा असर होता है हदीस में कहा भी गया सबसे बेहतरीन नाम अब्दुल्ला अब्दुलरमान तो ये नाम जो रखता है कोई दुश्मन का नाम नहीं रखेगा इंसान उसी का नाम रखेगा जिसे जिसको अपना आइडियल समझता है जिसे पसंद करता है या जिस आलिम को अच्छा समझता है उस आलिम ने मशवरा दिया है तो उसका रखेगा अब आप जो है किसी को यजीद से नफरत है तो यजीद का नाम नहीं रखेंगे मुआविया अल्लाह से नफरत है मुआविया का नाम नहीं रखेंगे तो नाम जो है दर हकीकत इंसान की जो पसंद होती है आप अगर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि अली रज़ी अल्लाह तहों के बच्चों में से आठ बच्चे ऐसे हैं जिनका नाम अबू बकर है ऐसे ही अहले बैत के पचीस बच्चों का नाम उमर है जिन सिर्फ अठारह सिफ है थे अली की औलाद हैं अहले बैत की औलाद में से तीन बच्चों का नाम उस्मान है और आपको हैरत होगी कि रज़ी अल्लाह जिनको बुरा भला कहते हैं ये जो अयम अहल बैत कहलाते हैं शिया भाइयों के यहाँ उनकी पांच बच्चियों का नाम आयशा है तो आयशा अल्लाह के नाम पे अयम अपने बच्चियों के नाम रख रहे हैं अबू बकर का नाम रख रहे हैं तो क्या कोई दुश्मन के के नाम पे अपना नाम रखेगा बल्कि नाम तो लोग तब्दील कर लेते हैं जब पता चलता है कि इस नाम से हमारे दुश्मन का नाम है लिहाजा ये भी अहम वजह है कि नाम की बुनियाद पर हम ये जाहिर कर सकते हैं कि दोस्त थे दुश्मन नहीं थे चौथी चीज ये है कि एक दूसरे की फजीलत में हदीसें बयान करना जैसे अगर हमारा कोई दुश्मन है और उसकी फजीलत में या उसके खूबी कोई हमसे बयान की गई है तो बहुत दफा लोग ये कहेंगे भाई हमारे सामने फला की तारीफ ना कीजिए या अगर किसी तरह से सुन लिया तो वो किसी से ये नहीं बयान करेगा कि फला की ये खूबी है वो उसको हजम कर लेगा। अगर कोई सहाबी या कोई अहले बैत का सहाबी के बारे में या अहले बैत के बारे में नबी से सल्म से आई हुई फजीलत वाली हदीसें बयान कर रहा है इसका मतलब यह है कि वो दुश्मन नहीं दोस्त था जैसे कि अभी मैंने आपसे बताया कि आयशा अल्लाह फ़ातिमा अल्लाह की फ़जीलत में हदीस बयान कर रही हैं रजी अल्लाह ने एक हदीस में बयान फरमाया कि अबू बकर जन्नत के जो अधीड़ उम्र के लोग हैं कोहूल जिन्हें कहते हैं उनके सरदार होंगे अली रजी अल्लाह कह रहे हैं या इसी तरह से अली रजी अल्लाह के बारे में मैंने आपसे बतलाया कि उन्होंने साफ़ कहा कि इस उम्मत के सबसे बेहतरीन अबू बकर हैं इसी तरह से अल्लाह के नबी ने एक मशहूर हदीस आपको याद होगी फरमाया था कि अगर मैं किसी को खलील बनाता यानी दोस्त से ऊपर का दर्जा तो मैं अबू बकर को बनाता लेकिन मैं अल्लाह का खलील हूँ इसलिए अबू बकर को अपना खलील नहीं बना सकता इस हदीस को बयान करने वाले इब्ने अब्बास हैं जो अहले बैत से इसी तरह से मुआविया रजी अल्लाह को लोग दुश्मन करार देते हैं मुआविया रजी अल्लाह ने एक दफ़ा कहा कि मैंने अल्लाह के नबी से को हज़रत हसन की ज़ुबान या उनके होंठ को चूमते हुए देखा है और जिस होंठ को जिस जुबान को अल्लाह के नबी ने बोसा दिया है उसे अजाब नहीं हो सकता ये बातें इस बात की वाज़ेह दलील हैं कि मुआविया रजी अल्लाह सहाबा के दुश्मन नहीं थे बल्कि आपको हैरत होगी कि जब हज़रत अली की शहादत की खबर माविया रजील्ला को हुई तो रोए और उन्होंने कहा इल्म का जनाजा उठ गया वाक़ता बहुत बड़े आलिम दीन थे लिहाजा हमें जो है ये सोचना चाहिए कि ये सहाबा एक दूसरे के लिए दोस्त थे महब्बत करने वाले थे दुआएँ देने वाले थे आखिरी चीज़ जो है वो ये कि सहाब कराम और अहिल बैत के दरमियान हदिया और तोहफा का सिलसिला था हदाया और तहाइफ का सिलसिला और आप जानते हैं कि हदिया और तोहफा देने से एक तो मोहब्बत बढ़ती है और इंसान किसको हदिया तोहफ़ा देता है उसी को देता है जिसको चाहता है अपने दुश्मन को हदिया तोहफ़ा नहीं देता और अगर देता है तो हकीकत में दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए दुश्मनी के मैार को पस्त करने के लिए अल्लाह के नबी वसल्लम कि वो हदीस ए तहाद तहाब दो, एक दूसरे को हदिया दो और आपस में महब्बत को आम करो हजरत बब्बकर ने मोहम्मद इब्न अल हनफ़िया जैत अली रदी अल्ल के बेटे हैं इनकी माँ को हदिया के तौर पे हैरत अली को दिया था इसी तरह से हैतु उमर ने हसन व हुसैन को या इसी तरह से एक दफ़ा हज़रतली रजी अल्लाह तहों को हजरत उमर ने एक चादर दी वो इस चादर को इतना पसंद करते थे उसे ओढ़ते थे और कहते थे ये मेरे जिगरी दोस्त मेरे मुखल मेरे प्यारे मेरे चहे थे और मेरे बहुत सारे मुशफिक मुखलस ने ये दिया है अल्लाह ने उन्हें उनके अखलास का बदला इस दुनिया में दे दिया है ऐसे ही मुआविया रजी अल्लाह के बारे में आता है कि हसन हुसैन को देखते तो उन्हें खुश आमदेद कहते और उनके लिए उन्होंने वजीफ़ा जारी किया इसी तरह से हज़रत अली रजी अल्लाह ने एक जंग के मौका पर जब हेत आयशा जा रही थी तो उन्हें भी हदिया तोहफा दिया खुलासा ये है कि ये भी सिलसिला था अब आप मैं मुख्तसरा ये कहूँ कि पाँचों मज़ाहिर पर एक इंसाफ करने वाला इंसान अगर गौर करे तो उसके सामने ये बात वाज हो जाएगी कि वाकता यह जो साजिश रची गई है यह जो प्रोपेगंडा किया गया है ये झूठी बातें जो कही जा रही हैं कि ये एक दूसरे के दुश्मन थे ये बात सही नहीं और वो मुख्तसर क्या है वो ये है कि एक दूसरे ने एक दूसरे की तारीफ में बातें कही हैं एक दूसरे से रिश्तेदारियां कायम की हैं एक दूसरे के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखे हैं एक दूसरे की फजीलत में हदीसों को बयान किए हैं और एक दूसरे से तहफ़ा तहईफ का सिलसिला जारी रखे ये पांच ऐसी बुनियादें हैं पांच ऐसे काम हैं कि अगर हम कितने ही सख्त से सख्त जान या दिल दुश्मन के साथ करें तो वह दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि ये दुश्मन थे तो ये दलीलें बता रही हैं कि ये दुश्मनी ख़त्म होगी जो मैंने आपको है थे उमर अल्लाह की शादी का जिक्र किया उम्मे कुलसूम से ऐसा नहीं है कि सुन्नत की किताबों में है बल्कि जो दुश्मनी दिखाते हैं उनकी किताबों में मौजूद हैं बहुत सारी चीज़ें इनमें से जो बयान की गई हैं ऐसा नहीं है कि हम ये बात कह रहे हैं हम अहले सुनत वाल जमात या अपने आप को अहले हदीस कहें या कुछ भी कहें हम जो है सिर्फ हमारी किताबों में हैं जो दुश्मन जाहिर करते हैं ये सब उनकी किताबों में हैं और सही सनद से मौजूद हैं लिहाजा अगर आपको इनकी नहीं माननी है तो अपनी माने और ये जो है साफ़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब तमाम सहाबा के बारे में बयान किया कि ये आपस में रहम दिल हैं और अल्लाह ने इनके दरमियान उल्फत क़ायम कर दी है तो फिर ये प्रोपेगंडा करना दर हकीकत साजिश के कुछ और नहीं है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह आलमीन तो हमारे दिलों में सहाबे के की और अहले बैत की महब्बत को कूट कूट कर भर दे आलमीन तो हमें तौफीक दे कि हम सहाबे कर और ख़ास करके अहल बैत के जो हकूक़ हैं चाहे वो दुआ से मुतल हो चाहे उनके दिफा से मुतल हों या जितने भी हकूक़ हैं उनकू की अदायगी की तोफ़ी अतः फ़रमा तो हमें तोफ़ी दे कि हम अपनी औलाद को सहाबे के और अहिल बैद की महब्बत पर उनकी तरबियत करें और हमें तोफ़ीक़ दे कि जो सहबा के दुश्मन हैं उन दुश्मनों की चालों को समझें और उनके फैलाए हुए प्रोपेगंडों से अपने आप को और अपनी औलाद को फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सुन्नत की तलीमत को आम करने में हमारा ताउन करे ताकि आपके लिए नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जजाकन